हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ममता, मैं आज आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट तड़का दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो हम ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। अक्सर हम तड़का दाल खाने होटल में, ढाबा में जाते हैं और बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से हम होटल ढाबा जैसा ही तड़का दाल फ्राई घर पर बनाएंगे। बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से आप इसे रोटी, पराठा, राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है और ये बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पंचमेल दाल लिया है, ये आपको किसी भी किराने के दुकान में आसानी से मिल जाएगा। तो हमने देखिए एक कटोरी दाल लिया है। ये दाल 5 तरह की होती है, इसे हम आधा घंटा के लिए ना पानी में डालकर फूलने के लिए छोड़ देंगे और आधा घंटा के बाद इसे हम पकाएंगे। इसमें कुछ कुछ दाल होते हैं फ्रेंड, जैसे राजमा होते हैं छोटे वाले, तो वो थोड़े पकने में टाइम लगते हैं। इस तरह हम आधा घंटा पानी में छोड़ देंगे तो अच्छे से पक जाएंगे। तो देखिए, हमने दाल को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है, कुकर में ऐड कर दिया है और दाल में हम ऐड करेंगे 2 गिलास के करीब पानी और इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर और कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर गैस पर इसे हमें 4 से 5 सीटी में अच्छे से दाल को पका लेना है। तो देखिए, हमने कुकर का ढक्कन लगाकर अब इसे गैस पर चढ़ा दिया है और देखिए हमारी 5 सीटी में दाल बनकर तैयार है। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है, अच्छे से पक भी चुकी है। तब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने गैस पर देखिए पैन चढ़ाया है, 2 चम्मच हमने डाला है घी। घी या ऑयल आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा जैसे ही क्रैकर हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता और हमने 2-3 लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च को डाल दिया है और बारीक कटा हुआ 7-8 लहसुन की कली को बारीक काट कर हमने डाल दिया है। अच्छे से हल्के से हमें इसे सॉटे कर लेना है। देखिए, हमारा लहसुन का कलर सब चेंज हो चुका है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। 1 अदरक के गांठ को हमने ग्रेट कर लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। तो हमने 2 प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, प्याज डाल देंगे और प्याज को भी ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का गुलाबी करना है। तो देखिए, हमारा प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है। तब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो हमने 1 टमाटर को बारीक काट कर डाल दिया है और टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से गल ना जाए। इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी का पाउडर ऐड किए हैं और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने दाल में भी ऐड किया है, तो नमक बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को रखना है मीडियम और इसमें हम 2-4 हमने हरी मिर्च को बीच से चीरा लगाकर डाल दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये तड़का मसाला है, ये जो हम दाल लेते हैं ना, दाल के पैकेट में ही ये रहता है। तो ये मसाला हम 1 चम्मच ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मसाला ना हो तो बाज़ार में अलग से भी तड़का मसाला मिलती है दाल के लिए, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने देखिए मसाला ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे दाल को हमें ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी डालकर हम कुकर में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो 1 लाइक ज़रूर करें और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, हमने फ्लेम को मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर दाल को हमने अच्छे से पका लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अच्छे से मिक्स कर लेना। आप गैस के फ्लेम को बंद करके नीचे उतार लेते हैं और देखिए, हमने दाल को बॉल में ऐड कर दिया है। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो तड़का के लिए देखिए, हमने 2 चम्मच घी ऐड किया है तड़का पैन में। इसमें हम डालेंगे जीरा 1 चम्मच और हमने 2-3 हमने लाल मिर्च डाला है। जैसे ही जीरा और लाल मिर्च छिटक जाएगा, इसमें हमने काश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है कलर के लिए और दाल में हम तड़का लगा देंगे, इससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। और तड़का लगाने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और ऊपर से धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे।
देखिए हमारी दाल कितनी टेस्टी बनी है, कितनी सुंदर भी दिख रही है, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और हमने ऊपर से व्हाइट क्रीम भी हमने ऐड कर दिया है, काफ़ी टेस्टी दाल बनी है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आती तो अपने दोस्तों में फैमिली ग्रुपों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।